कोरोना महामारी ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया है। लाखों लोगों ने अपनों को खो दिया तो ना जाने कितने बेसहारा परिवार भुखमरी का शिकार हो गए हैं। इस बीमारी ने ना ही सिर्फ हमारे शरीर पर हमला किया है बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाई है। लेकिन क्या आपको पता है कि पुरुषों के मुकाबले मानसिक तनाव का शिकार महिलाएं ज्यादा होती हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 25% महिलाएं इस समय मानसिक तनाव से जूझ रही हैं। लेकिन शायद ये आंकड़े कहीं और ज्यादा हों, क्योंकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को ना ही मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी होती है और ना ही कोई उन्हें जागरूक करने वहां पहुंचता है। कोरोना काल में भी ज्यादातर परिवारों की महिलाएं अपनी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही हैं और घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम कर रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, आर्थिक और पारिवारिक संकट की टेंशन भी उन्हें ही लेनी पड़ रही है। तो चलिए देखते हैं कि कोविड-19 के समय में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की क्या स्थिति है हमारी इस खास रिपोर्ट में। महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, ये चिंता क्या महिलाओं को खुद है या उसके परिवार को या समाज को या फिर सरकार को? मैं इस पर इसलिए बात करना चाह रही हूँ क्योंकि महिलाएं खुद भी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ये भी कोई एक बीमारी है ऐसी सोच नहीं रखती। और जिस तरह का माहौल चल रहा है कोरोना महामारी के चलते, घर को संभालना, परिवार, बच्चे और उनकी देखरेख करना और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब परिवार की आप कल्पना करते हैं। उस स्थिति में महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहना बहुत ज़रूरी है और वो किस तरह से इस समय गुजर रहे हैं इस पर हमने रिपोर्टिंग की। आइए सुनते हैं फिर उन महिलाओं ने भला क्या कहा। रकम पता ही रहा देखा गुड़ी में से लरिया निकाल के ना कहीं कमी लवंग निकाल के लड़की लड़कन का रकम पताई पतोहू का रकम पताई लड़का के ससुरारी मिलल वह सब बेच बेच के सब लगा लिया जिनसे उनसे सुतही भाई मांगनी के टेंशन दीदी यह पैसा बढ़त बा आदमी का 2.5-3 लाख रुपया हो गल देवे के कहाँ से दिया। इस तरह का लड़का बैठल हुआ काम कहीं से ही होगा ना करी तो पैसा कहाँ ले आई कहाँ से नींद चलेगी। इसे किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है एकदम कई तरह के लोग बीमार हो रहे हैं। बीमार तो आदमी तो खोखिया बा तो घर पे रह करके कुछ काम हो रहा है कि नहीं? कुछ नहीं बैठोगी है डर के मारे पुलिस दरोगा है हम जाए कहीं काम कर देते ना हुआ दौड़ावत हुआ मारत हुआ तो ऐसे अपने अपने बच्चन के भेज दौड़ मार खाए बदे मजूरी करी थी इतिदार कोरोना के लगा कुछ काम है नहीं है तो मना ये पति पता हुआ टूटा था। महिला का तो इतना टेंशन रहती ना महिला का ना पुरुष का जब टेंशन पूछा तो टेंशन का दूर को न कह पाई लागत है आप यही के साथ हम रह जीव चला जाए और का जब पैसा ना रही कुछ ना रही तो के कहाँ जाई ढूंढ है का करी कैसे कही ना काम मिला है और घर भीतर मारा है। कोरोना से जहाँ तक हम कह रहे हैं कि ये कोरोना महामारी जो आई है हमारी पूरी तरह से हम अपनी आत्मा से बता रहे हैं कि जो ये कोरोना महामारी है ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है और सिमट करके हम एक जगह रह गए। कभी कभी ऐसी बेचैनी आती है कि देख हम कहाँ जाएं भाई 24 घंटा हम घरेलू काम में नहीं रहते हैं 4 घंटे तो हमारे पास टाइम मिलता है तो सोचते रहते हैं कि देखते किस लॉकडाउन में हम कहाँ जाएं किससे बात करें पड़ोस में भी नहीं जा सकते हैं। जैसे पति ही कमा रहे थे और इस समय कमाई नहीं तो किस तरह से आपको टेंशन हो रहा है? दोनों एक दूसरे को हम लोग हिम्मत दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि कैसे होगा हम कहते हैं कि अभी नहीं कमा रहे समय आएगा एक न एक दिन जिंदगी बच जाएगी ये महामारी से तो फिर हमारे अच्छे दिन आएंगे। और लॉकडाउन में तो बड़ी समस्या है क्योंकि जैसे हम तो किराए के घर में रहते हैं हमारे पास पैसे तो रहते नहीं है देखो हर महीने कमाया तभी तो देंगे किराया और जो लॉकडाउन में उन्होंने घर में पैक कर दिया तो अब वो मकान मालिक कहते हैं घर खाली करो किराया चाहिए उन्हें। कोरोना के चलते बच्चे भी घर पे हैं हम भी घर पे हैं इसलिए जैसे हम लोग पहले जैसे पढ़ाने जाते हैं तो बच्चों के साथ व्यस्त रहते हैं और अब तो केवल घर में ही 2-3 बच्चे हैं उनके साथ व्यस्त रहते हैं और बोरियत महसूस होती है बहुत ज़्यादा। जो घर में कोई बीमार होगा टेंशन तो होगी ही इसलिए टेंशन होगी कि कोरोना काल में किस अस्पताल में लेके जाएं कहां पर लेकर जाएं और लॉकडाउन से हमारी जॉब तो ख़त्म हो गई
इसलिए मानसिक टेंशन आर्थिक स्थिति से तो हम लोग जूझ ही रहे हैं। हम लोग को केवल आर्थिक रूप से मानसिक टेंशन है और ऐसे कोई टेंशन नहीं है। आपका मानसिक स्वास्थ्य मतलब आपको कोई टेंशन ना हो, इसके लिए आप क्या करती हैं? इसके लिए घर में हम लोग हमेशा टीवी देखते हैं, खाना बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं बच्चों के पसंद के, इसी तरह समय पास करते हैं। पहले की अपेक्षा काम ज़्यादा करना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है जॉब के लिए, सावधानी भी बरतनी पड़ती है, दिमाग डिस्टर्ब रहता है, घर हरदम बैठे रहो। पहले था तो बाहर जाओ घूम टहराओ वैसो, अब लेकिन घर पे ही रहना पड़ता है, तो कभी जब ज़्यादा टेंशन होता है तो मोबाइल में अपना कुछ देख लेते हैं, मूवी वूवी। बीमार रहता है तो उसकी भी देखभाल करना होता है और अपने आप की भी देखभाल करना होता है, तो कैसे आप मतलब करती हैं दोनों काम? बहुत दिक्कत हो जाती है करने में, लेकिन अब घर परिवार है तो करना पड़ता है। इस समय अधिकतर समय बच्चों के साथ ही व्यतीत होता है, खाना पीना उनकी देख रेख। जैसा कि दिख रहा था हालात बहुत ही ख़राब चल रहे थे, उस समय तो बहुत डर सा लग रहा था, लेकिन मन में एक ये भी था कि हमें घर में रह के अपने परिवार के साथ रह के इनको सबको सुरक्षित रखना है। आपके घर के पुरुष क्या काम करते हैं? हम लोग मिलकर सारा काम दोनों लोग करते हैं। थोड़ा सा ये जब बीमारी फैली तब थोड़ा सा मानसिक तौर पे सभी लोग परेशान थे और हम लोग भी परेशान थे, लेकिन ये मन में ठान लिया था कि इस बीमारी से खुद को भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है, इसलिए घर के काम के साथ साथ अपना मन हम दूसरे कामों में जैसे कविता लिखना, कापी किताबों में पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, इसी में अधिकतर हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया। तो देखा आपने कि कोरोना महामारी के दौरान शहर से लेकर ग्रामीण स्तर की महिलाएं सभी किसी न किसी चीज के कारण मानसिक तनाव में हैं। ऐसे में हम बस आशा ही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द हमें इस महामारी से छुटकारा मिल जाए, ताकि हर किसी का जीवन वापस से पहले जैसा हो जाए। टीका लगने के बाद थोड़ा बुखार और अन्य लक्षण आना आम बात है, इससे घबराइए नहीं। साथ ही कोविड पर जागरूकता, घरेलू इलाज, डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह और बहुत ही ज़रूरी मोबाइल नंबरों की जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती है। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट पर सदस्य बनें। खबर लहरियाँ, आपकी खबर आपकी भाषा।